दतिया जिले में नगरीय निकाय चुनाव में शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए जिला प्रशासन लगातार मतदान केंद्रों का दौरा कर जायजा ले रहे हैं। इसी बीच दतिया जिले की वार्ड नंबर 30 में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री एवं दतिया विधायक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अपने पुत्र सुकर्ण मिश्रा के साथ शहर के मतदान केंद्र क्रमांक 74 पर पहुंचकर मतदान किया और विकास के लिए मतदान करने के लिए सही मतदाताओं से अपील भी की। और मतदान अब महादान लोग मानते हैं। अगर हम कहें राष्ट्रवाद के नाम पर वोट किया तो लोग समझ जाते हैं कैसे किया होगा। अगर हम कहते हैं विकास को वोट किया तो लोग समझ जाते हैं कि कमल को ही वोट दिया होगा। अगर हम कहते हैं कि हमने सुरक्षा को वोट दिया, सेवा को वोट दिया, संस्कार को वोट दिया, राष्ट्रवाद को वोट किया तो सब समझ जाते हैं कि कमल का बटन दबाया। मैंने कमल का बटन दबाया है ये तो सर्वविदित है, लेकिन मैं आग्रह भी सबसे करना चाहता हूँ कि माननीय मोदी जी, माननीय स्वराज जी, जिस तरह से प्राण से राष्ट्र की आराधना तो देश की सेवा में जुटे, उसके लिए लोकतंत्र की एक छोटी इकाई है जो संभल कर हम इसमें मुख्य धारा में जुड़कर विकास के नए आयामों को छुए, दतिया को विकास, प्रदेश को विकास दें। इसलिए प्रदेशवासियों से भी सब कमल का बटन दबा। नगरीय निकायों की आपकी भाजपा की सरकार ही बैठेगी जिसकी जो नगर की सरकारें हैं, निश्चित रूप से हम हमारी मान्यताएं जनता का आशीर्वाद और विश्वास हमारे साथ है, इसी सब जगह पहुंचेगी। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए दतिया से विकास सेन की रिपोर्ट। मैं हूँ सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब कर लीजिए, यह आपका अपना चैनल है। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें हमेशा इंतजार बना रहता है आपके कमेंट्स का। दतिया जिले में नगरीय निकाय चुनाव में शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए जिला प्रशासन लगातार मतदान केंद्रों का दौरा कर जायजा ले रहे हैं। इसी बीच दतिया जिले की वार्ड नंबर 30 में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री एवं दतिया विधायक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अपने पुत्र सुकर्ण मिश्रा के साथ शहर के मतदान केंद्र क्रमांक 74 पर पहुंचकर मतदान किया और विकास के लिए मतदान करने के लिए सही मतदाताओं से अपील भी की। मतदान अब महादान लोग मानते हैं। अगर हम कहें राष्ट्रवाद के नाम पर वोट किया तो लोग समझ जाते हैं कैसे किया होगा। अगर हम कहते हैं विकास को वोट किया तो लोग समझ जाते हैं कि कमल को ही वोट दिया होगा। अगर हम कहते हैं कि हमने सुरक्षा को वोट दिया, सेवा को वोट दिया, संस्कार को वोट दिया, राष्ट्रवाद को वोट किया तो सब समझ जाते हैं कि कमल का बटन दबाया। मैंने कमल का बटन दबाया है ये तो सर्वविदित है, लेकिन मैं आग्रह भी सबसे करना चाहता हूँ कि माननीय मोदी जी, माननीय स्वराज जी, जिस तरह से प्राण से राष्ट्र की आराधना तो देश की सेवा में जुटे, उसके लिए लोकतंत्र की एक छोटी इकाई है जो संभल कर हम इसमें मुख्य धारा में जुड़कर विकास के नए आयामों को छुए, दतिया को विकास, प्रदेश को विकास दें। इसलिए प्रदेशवासियों से भी सब कमल का बटन दबाएं। नगरीय निकायों की आपकी भाजपा की सरकार ही बैठेगी जिसकी जो नगर की सरकारें हैं, निश्चित रूप से हम हमारी मान्यताएं जनता का आशीर्वाद और विश्वास हमारे साथ है, इसी सब जगह पहुंचेगी। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए दतिया से विकास सेन की रिपोर्ट। मैं हूँ सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब कर लीजिए, यह आपका अपना चैनल है। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें हमेशा इंतजार बना रहता है आपके कमेंट्स का।